Hey guys, this is me Shubham Gautam back with another video. और आज हम जा रहे हैं अपनी Jupiter 125 की सर्विसिंग कराने। दो महीने के ऊपर हो गए हैं, टाइम भी इसका आ गया है लेकिन किलोमीटर अभी नहीं गए हैं। किलोमीटर की बात करें तो 323 किलोमीटर हो चुके हैं और बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि सर्विस करा लो, तो आज फाइनली जा रहे हैं। टाइम तो वैसे ज़्यादा हो गया है, 2:30 बज गए हैं और आज की डेट है 11th of April 2023। और इन दो महीने में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका लो हुआ है, उतना पिकअप अब फील नहीं होता है क्योंकि जो इसमें इंजन ऑयल डल के आता है वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है क्योंकि पार्ट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइन पार्टिकल्स जो पार्ट्स के होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं ऑयल में, इसलिए वो दो महीने में या 500 किलोमीटर के अंदर चेंज करना ही करना होता है, उसके बाद अच्छा वाला ऑयल पड़ता है। तो अभी सीधे जा रहे हैं सर्विस सेंटर और आपको बताते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। तो अब वो पिकअप फील नहीं होता जो पहले फील हो रहा था जब नई नई गाड़ी थी। अभी देखिए देखते हैं कितनी जा रही है, फुल एक्सीलेटर है। जा तो अभी भी 80 रही है, 80 के ऊपर नहीं जा रही और काफ़ी टाइम लगा इसको 80 के ऊपर, 80 तक पहुंचने में। 80 के ऊपर इतनी आसानी से नहीं जा रही है, पहले 90 चली जाती थी। तो आ ही गए सर्विस सेंटर और 324 किलोमीटर्स हो गए हैं। और मोड्स की बात कर लें तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 47.3 की दिखा रहा है और डिस्टेंस टू एमपीडी 129, टाइम हो रखा है 2:36। तो चलिए सीधे चलते हैं सर्विस सेंटर। ये जब 30 की स्पीड पर पहुंचती थोड़ी सी वॉबलिंग करती है, वो नहीं समझ पाता किस लिए होती है, उसके नीचे नहीं होती है उसके ऊपर नहीं होती। ये 30 के स्पीड पे पहुंचती है, ये पता नहीं ओवर गियर की वजह से होता है किस चीज़ की वजह से होता है, वॉबलिंग होती है, गाड़ी थोड़ी सी जंप मारती है और ब्रेकिंग सब इसकी एक नंबर है अभी फ़िलहाल। तो रोड पार कर लेते हैं, ये आ गया TVS। कोई है नहीं क्या, वहां बैठे हैं। सर्विस अच्छा भैया, सर्विस हो पाएगी ना, पहली वाली है फ्री वाली। तो गाइस सर्विस हो के खड़ी हो गई है हमारी Jupiter 125 और ज़्यादा इसमें कुछ खास काम नहीं होता है प्री सर्विस में, बस इंजन ऑयल चेंज होता है और थोड़ी सी ब्रेक क्लीनिंग होती है, बाकी नॉर्मल वॉशिंग होती है। बाकी जो मैंने इंजन ऑयल है वो अच्छा वाला डला दिया, फुली सिंथेटिक, जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आई है
तो चलिए देखते हैं इसको चला के कैसी चल रही है। पॉलिश वॉलिश भी हो गई है, सो लेट्स ड्राइव। अब देखें क्या स्मूथनेस बढ़ी है सिंथेटिक ऑयल से। ओह पिकअप थोड़ा सा बढ़ा है, पिकअप में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वो जो वॉबलिंग इशू था वो हवा की कमी की वजह से था, अब नहीं हो रही है वैसी कोई वॉबलिंग, 30 की स्पीड पे चल रही है। तो 326 किलोमीटर पे मैंने सर्विस करा ली इसकी और अब 5000 तक इसको चला सकता हूँ क्योंकि पुली सिंथेटिक ऑयल डलवाया है, जिसकी वजह से हम इसको आराम से 5000 किलोमीटर चला सकते हैं। अगर वो जो इसके पहले इंजन ऑयल डाल रहे थे वो सेमी सिंथेटिक था, उसका जो पीरियड होता है 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक का होता है और ये 5000 तक बहुत अच्छे से चल जाता है। तो थोड़ा सा इसको रेव करते हैं, बहुत आराम से 40 जा रही, लेकिन पहले इतना आराम से 40 नहीं जाती थी, अब बहुत आराम से 40 जा रही है। ये देखिए इको से पावर पे शिफ्ट भी हो गया, कम थ्रॉटल रिस्पांस पे ये ज़्यादा पावर ये दे रही है, अब आराम से 40 चल रही, नहीं तो इतने एक्सेलरेशन में ये चलती थी 30। और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसको रीसेट कर दूँगा, तो एक बार इसको साइड में रोकते हैं, इसको रीसेट करते हैं। हाँ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मैंने रीसेट कर दिया, 47.5 पे था। और चलिए फिर से एक बार इसको पुल करते हैं। ओहो इनिशियल रिस्पांस भी इसका अच्छा हो गया है, इंजन ऑयल डलते ही जैसा लग रहा जान आ गई है। और थोड़ी सी एयर कम थी, एयर प्रेशर कम था, जिसकी वजह से और थोड़ा इसमें वॉबलिंग था और थोड़ा सा कम पावर फील हो रही थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी पावर इसमें फील हो रही है। तो चलिए यहाँ से थ्रॉटल लेते हैं। ओहो इंस्टेंट पिकअप फील हुआ। आराम से चले गई, पता नहीं चला, पहले खींचनी पड़ रही थी, जैसे कि आपने अभी देखा था सर्विसिंग से पहले खींचनी पड़ रही थी। और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 0 हो गया है, ये थोड़ी देर में शायद सेट हो जाए, अभी सब कुछ वो हो गया है। देखते हैं अब यहाँ पे मोड़ तक कितनी जाती है। सिंथेटिक ऑयल प्लस ऑयल एडिटिव की वजह से स्मूथनेस वो फील हो रही है आवाज़ में भी। ये 85 आराम से चली गई और 90 भी आ गई और ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग की पहले भी बढ़िया थी अब भी बढ़िया है। ब्रेक शू जो रियर वाले उसको थोड़ा सा क्लीन किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और ये पकड़ रही है। अब लग रहा है कि हाँ गाड़ी में पिकअप आ गया है। ब्रेकिंग तो नो डाउट, ब्रेकिंग तो बहुत बढ़िया है इसकी। अभी अच्छा पिकअप है जिसकी वजह से हम निकालते चले जा रहे हैं। वाह 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 हम ही निकाल लिए भाई, तुम ना निकालो। वाह अब पिकअप में जो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया एकदम फील करके पिकअप को।
और उस इंजन वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी पतला पतला फील हो रहा था। स्टार्टिंग का जो गिरा वो मोटा मोटा गिरा, जो बाकी जो गिरा है वो पतला पतला गिरा है। तो जो मैंने फ़ोटो ली है जैसे आप देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, लेकिन जब उसने दिखाया था सही से उसकी फ़ोटो नहीं ले पाए, तो काफ़ी इंजन के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। और अब देखते हैं गाड़ी का जो एवरेज है वो कितना निकलता है। और अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है या स्टार्टिंग में 0-100 नहीं देखा है तो आपको वीडियो में आई बटन पे लिंक्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था इसमें बहुत ज़्यादा काम तो होता नहीं है, कोई भी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस जो होती है उसमें ज़्यादा काम नहीं होता, उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है। तो बस इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है और ब्रेक शू क्लीनिंग हुआ है, वॉशिंग हुई है, पॉलिश हुई है और इंजन ऑयल के साथ ऑयल एडिटिव इसमें ऐड हुआ है। और इसका जो थोड़ा सा एवरेज वाला वीडियो है सर्विसिंग के बाद वो अभी तो बता नहीं पाएंगे, उसको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका एवरेज के ऊपर ही होगा। तो सर्विसिंग के बाद कितना इसने एवरेज निकाला है, सर्विसिंग से पहले इसके जो मीटर में रीडिंग शो कर रही थी वो 47.5 की रीडिंग शो कर रही थी, और जो इसने एवरेज दिया होगा 45 के आसपास दिया होगा ओवरऑल एवरेज। और अब देखते हैं ओडोमीटर में क्या ये एवरेज निकाल के देती है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने, तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो, तब तक के बाय बाय। Oh, 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 oh